हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेज़ी कक्षा सात जो आपकी 2024 25 की न्यू है क्लास सेवन की इसमें मैं आपके आपको पढ़ाने वाली हूँ लेसन नंबर सेवन द लॉस्ट कैमल आगे देखते हैं इसकी एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन है टेल द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क आस्क्ड बाय द ओल्ड मैन तो इसका आंसर हमें बी टिक करना है फाइव क्वेश्चन नंबर बी है बीस वर फ्लाइंग अराउंड इसमें क्वेश्चन नंबर बी टू में इसका आंसर बी सही है हनी उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है विच एनिमल डज नॉट हैव हुस तो इसमें हमें डी टिक करना है कैमल उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है आई डैश माई टीचर यस्टरडे स्टडी मैट डी आंसर फिर करना है इसका मैट इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट द फेमी नाइन जेंडर लिखना है हमें ऑफ द वर्ड लॉइन लॉइन का फेमी होता है सी ऑप्शन सही है लॉइन इसके आगे देखते हैं इसमें दिए हैं कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स तो फिलिंदा ब्लैंक्स में आपको फिल करना है फर्स्ट है अ पर्सन पर्सन हु वाई वाई एंड सेल्स गुड इज कॉल्ड गुड सेलर इसको हम कहते हैं गुड सेलर उसके बाद द कैमल्स आर फाउंड जनरली इन डिजर्ट आई वॉज डार्क डैश ही टुक आ टॉर्च सो इसमें हमें कंजक्शन फिल करना है इसीलिए सो फिल किया है इफ़ ही एट जंक फूड ही डैश फेल सिक इसमें कंडीशन अपना एक अप्लाई करनी है बिल वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड डैश जिनको दिखाई नहीं देता उन्हें क्या कहते हैं ब्लाइंड इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर्स तो इसमें क्वेश्चन नंबर इलेवन है क्वेश्चन नंबर इलेवन वूम डेट द मर्चेंट्स मीट ऑन द वे एन ओल्ड मैन फिल करना है आपको वाई इज कैमिल कॉल्ड द शिप ऑफ डिजर्ट बिकॉज इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द डिजर्ट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव बेड इज वॉस्ट। व्रॉस्ट फिल करना है आपको इसमें इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन राइट द एडवर्व फॉर्म ऑफ द बर्ड क्लेवर क्लेवर का क्लेवर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट है शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम करेंगे इसमें दिया हुआ है वेयर डेड द मर्चेंट्स टेक इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा टेक द ओल्ड मैन एंड वाई ये होगा द मर्चेंट्स टुक द ओल्ड मैन टू द खलीफाज कोर्ट बिकॉज दे थॉट ही हैड स्लोटेन द गुड्स एंड किल्ड द कैमल उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द ओल्ड हाउ डिड द ओल्ड मैन कम टू नो दैट ही कैमल वॉज लैम द ओल्ड मैन नोटिस्ड दैट वन ऑफ द कैमल्स फुटप्रिंट वॉज फेंट इंडिकेटिंग दैट ही वॉज लैम इन वन लेग इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन What judgment was given by Khalifa’s by. The Khalifa said that the old man had made use of eyes to observe things, and told the merchants to use their own eyes to find their camel. He sent the merchants away. उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन है क्वेश्चन नंबर एटीन है शी विल हैव ऑल द फैसिलिटीज शी हैड ऑल द फैस फैसिलिटीज़ फ़िल करना है इसमें हमें इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई होगी एडवर्टाइजमेंट फॉर द चैरिटीज़ फॉर द पुअर इसमें एक पिक्चर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हमें अटैम्प्ट हैं क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं वॉट इज़ द दर्पस पर्पज ऑफ दिस शो टू रेज फंड फॉर द चेरिटी फॉर द पुअर हाउ मैनी शोज़ आर देयर एन अ डे देयर आर फोर शोज एन अ डे उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वाला इन वॉट वे कैन यू हेल्प द पुअर वाई अटेंडिंग द शो एंड परचेसिंग टिकट ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है राइट द मीनिंग ऑफ द बर्ड मरीन रिलेटेड टू द सी उसके बाद एडल्ट शुड पे हंड्रेड रुपीज़ फॉर द शो एडल्ट शुड नॉट पे लेस देन हंड्रेड रुपीज़ फॉर द शो उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी राइट एन एप्लीकेशन टू योर हैड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक यू ऑन अ पिकनिक तो आपको ये पिकनिक की पूरी एप्लीकेशन लिखनी है आप लिख सकते हैं इसमें देख के इसमें है टू द हेड मास्टर यहाँ आपके स्कूल का नाम लिखना है आप यहाँ आपके स्कूल का एड्रेस लिखना है आपको सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट फॉर अ पिकनिक ट्रिप रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी आप लिखते हैं आई योर नेम यहाँ आपका नेम लिखना है उसके बाद आ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवेंथ काइंडली रिक्वेस्ट टू यू ऑर्गेनाइज आ पिकनिक फॉर अवर क्लास इट वुड be a great opportunity for us to relax and learn outside the classroom environment. फिर उसके बाद आपको लास्ट लाइन लिखनी है यहाँ पर Thank you for considering my request. उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर your sincerely और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है सेंसियरली के बाद यूर सेंसियरली लिख के आप यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं तो ये थी स्टूडेंट ये थी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी सेवेंथ इसका लेसन नंबर सेवन मैंने कंप्लीट कराया है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियो बना सकूँ थैंक्स फ़ॉर वॉचिंग